हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक से दो बार मन लगाकर देख लीजिएगा। जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की सभी क्लासेस फ्री हैं। एंड दोस्तों, थ्योरेटिकल क्लासेस, एमसीक्यूज का क्लासेस चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सभी के सभी यहां पे हल कराए गए हैं, और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, श्वास नली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, श्वास नली को क्या कहते हैं? श्वास नली को हम ट्रैकिया बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमारे नाक से श्वास जाता है, फिर फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाता है, उसके बाद लैरिंग्स यानी कंठ से होता हुआ, उसके बाद एक पाइप जैसा होता है, वो आपका ट्रैकिया होता है, जिसके माध्यम से जो हवा होता है वो फेफड़ों में जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में डिफ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? डिफ्यूजन क्रिया का मतलब यानी कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होती है? दोस्तों, एल्वियोलाई में। जैसा कि दोस्तों, जो हमारी ट्रैकिया होती है फेफड़ों में जाकर के दाईं ओर तीन भागों में, बाईं ओर दो भागों में, यानी उसको ब्रोंकाई कहते हैं, भागों में बढ़ जाती है। फिर यही ब्रोंकाई बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसको ब्रोंकियोलिस कहते हैं। फिर वही ब्रोंकियोलिस एक दूसरे में गुथ करके गुच्छेनुमा आकृति बना लेती है, उसको कहते हैं एल्वियोलाई, जिसमें एकदम पतला सा लेयर होता है, एकदम झिल्ली के समान, जिससे जो हृदय से, हृदय के पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त आता है फेफड़ों में, जहां पे एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेता है उसका रक्त का हीमोग्लोबिन, और जो उसमें अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वियोलाइज ले लेता है, और फेफड़ों के माध्यम से होता हुआ फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और रक्त का हीमोग्लोबिन यानी रक्त की आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है कोशिका में, जहां कोशिकीय श्वसन होता है, जहां ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एंड क्रेफ्स चक्र के अंतर्गत 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ श्वसन तंत्र वाले वीडियोज में, आप जा करके देख लीजिए दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइज किस सिस्टम का भाग है? तो यह किस सिस्टम का भाग है? श्वसन तंत्र का, ठीक है। वही जो ट्रैकिया होती है यानी श्वास नली आगे चल के फेफड़ों में दाई ओर तीन भागों में, बाई ओर दो भागों में विभक्त हो जाती है, उसी को हम कहते हैं ब्रोंकाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे सबसे ज्यादा हवा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हवा में नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तीनों जाते हैं हमारे, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं, और वापस कितना आते हैं दोस्तों? तो अंदर जाने के बाद वापस आता है नाइट्रोजन, पूरा का पूरा वापस आ जाता है, कोई भी यूज नहीं होता है उसका। एंड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जाता है 0.03%, बट आता है वापस 4.04%, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन होता है 21% जाता है और 16% वापस आता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में कितनी सांस लेता है? तो एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 16 से 20 बार देखने को मिलेगा, यानी कि कम से अधिक 20 बार, कम से कम 12 बार, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थमा डिजीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अस्थमा डिजीज श्वसन तंत्र का रोग है दोस्तों, यह फेफड़े को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट है इपिग्लोटिस किस तंत्र का भाग है? तो दोस्तों इसको कंफ्यूजन है कि पाचन तंत्र का भाग है कि श्वसन तंत्र का भाग है, इसमें दिया है पाचन तंत्र, बट जो हमारे कंठ के ऊपर जो होता है इपिग्लोटिस लटका हुआ सा, जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है जिससे श्वास नली में भोजन न जाने पाए, जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है कि भोजन नली में दोनों श्वास नली एक में जुड़े न जिससे कोई व्यवधान पैदा न हो। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि खाते समय अचानक आपका ध्यान कहीं और रहता है, माइंड कहीं और रहता है, शांति से आप नहीं खाते हैं, तो क्या होता है जो हमारा माइंड है वो समझ नहीं पाता है कि आप खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसको क्या करना है, इपिग्लोटिस को श्वसन नली को बंद करना है कि नहीं करना है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं पता चल पाता है जिससे आपका भोजन के कुछ कण श्वास नली में चले जाते हैं, आप तुरंत छींकने लगते हैं और नाक के द्वारा आपका जो भोजन होता है बाहर निकल जाता है, कभी कभी इसमें मौत भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन नुमा भाग होता है जो भोजन खाते वक्त भोजन के कणों को श्वास नली में नहीं जाने देता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? अभी तुरंत मैं इसके बारे में बताई हूं, उस भाग को क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो किस क्रिया में निकलती है दोस्तों? श्वसन क्रिया में। ठीक है, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे। और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सांस में ली गई वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है मनुष्य द्वारा सांस ली गई वायु में? तो कितना होता है? जितना हमारे वातावरण में होता है उतना ही हम सांस लेते हैं, यानी 21% होता है। कितना होता है? 21%। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्ति द्वारा वाहन श्वसन क्रिया में निकलने वाली वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों अभी मैं तुरंत बताई हूं कि जाता है श्वसन क्रिया में जो हम लेते हैं तो 0.03% लेते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0.03% हम लेते हैं, बट बाहर कितना निकालते हैं दोस्तों? 4.04%, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों? तो जैसा कि मैं इसको बता चुकी हूं आपको, नाइट्रोजन की होती है, 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, 78% हमारे श्वास के द्वारा अंदर ले जाया जाता है और बाहर भी 78% ही निकाला जाता है बिना कोई यूज के। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? तो यह मापी जाती है स्पायरोमीटर से। किससे? स्पायरोमीटर से मापी जाती है। जैसा कि दोस्तों वाइटल कैपेसिटी होता क्या है? वाइटल कैपेसिटी वो होता है कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि दोस्तों ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके और फिर पूरे बल के साथ जो हवा वह श्वसन यानी एक्सपायरेशन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम मतलब प्राण वायु। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है दोस्तों? जो हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी मात्रा होती है 500 ml एक बार में। फिर आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एयर यानी कि पूरक वायु, जो हम श्वास सामान्य श्वास के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर। इसका मात्रा होता है 3000 ml।
और फिर होता है सप्लीमेंट्री एयर, जो परिशिष्ट वायु कहा जाता है, यानी कि इंस्पायरेशन के बाद गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है, यानी कि एक्सपायरेशन किया जाता है। इसकी मात्रा होती है 11 से ml। इन तीनों को मिला करके आपका होता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी हुआ कितना दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी आपका हुआ कि 500 ml आपका कितना हुआ, 500 ml पैरेलल वैल्यू प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर कितना हुआ 3000 ml प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर यानी कि एक्सपायरेशन कितना हुआ 1100 ml। ठीक, बराबर कितना हुआ 4600 ml। ठीक है, यानी कि यदि पूछे कि वाटर कैपेसिटी की मात्रा कितनी होती है तो 4600 ml होती है सामान्य श्वास में, 4600 ml यानी कि 4.6 किलो। ठीक है, 4.6 लीटर दोस्तों, क्योंकि किसी भी द्रव को हम किलोग्राम नहीं कह सकते हैं, वो लीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो 4.6 लीटर या तो 4600 ml। वही दोस्तों, यदि आपका टोटल लंग कैपेसिटी पूछेगा तो टोटल लंग कैपेसिटी का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना हो गया, तो टोटल लंग कैपेसिटी में कितना होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी आपका होता है लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर। रेसिड्यूअल एयर होता क्या है दोस्तों, इसको अवशिष्ट वायु कहते हैं, यानी कि जब हम पूर्ण रूप से एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन यानी सांस ले लिए, सांस छोड़ दिए, उसके बाद एक पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है उसी को हम कहते हैं रेसिड्यूअल एयर, यानी कि अवशिष्ट वायु। इसकी मात्रा होती है 1200 ml। कितनी होती है, 1200 ml। इस प्रकार टोटल लंग कैपेसिटी बराबर कितना हुआ, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर। तो वाइटल कैपेसिटी कितना हम लोग ज्ञात किए हैं दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी कितना ज्ञात किए हैं, 4600 ml प्लस इसमें रेसिड्यूअल एयर कितना है, 1200 ml। तो 1200 ml हम इसको जोड़ देंगे, आएगा कितना दोस्तों, बराबर 5800 ml, यानी कि 5.8 लीटर। ठीक है, लीटर ये आपका ml है। ठीक, तो अब पूछेगा कि वाटर कैपेसिटी कितना होता है, तो वाटर कैपेसिटी होता है आपका 4600 ml यानी कि 4.6 लीटर। एंड टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, तो वाटर कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर यानी कि कुल 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर। इस प्रकार सूत्र पूछेगा कि वाइटल कैपेसिटी बराबर कितना होता है, तो वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कंप्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। और टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता कितना होता है, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकेंड में पूरी होती है। तो एक बार सांस लेने की प्रक्रिया 5 सेकेंड में पूरी होती है। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। नेक्स्ट दोस्तों, फेरिंग्स किस तंत्र का भाग है। तो फेरिंग्स जो है, जो ग्रसनी होता है, वह है श्वसन तंत्र का भाग। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछ दिया वाइटल कैपेसिटी का सूत्र क्या होता है। तो वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाइटल कैपेसिटी का सूत्र क्या है। तो वाइटल कैपेसिटी का सूत्र है आपका वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर 3000 ml एंड सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml। पूरा मिला के आपका होगा 4600 ml। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों की लंग कैपेसिटी का सूत्र क्या होता है। तो लंग कैपेसिटी का सूत्र मैंने अभी बताया है दोस्तों, क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस
रेसिड्यूल एयर, यानी कि 4600 प्लस रेसिड्यूल एयर कितना है 1200 ml, तो 4600 ml प्लस 1200 ml बराबर कितना हुआ 5800 ml, यानी 5.8 लीटर, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जोर से मुंह से हवा निकालने के बाद, यानी कि मैक्सिमम एक्सहेलेशन यानी कि वाह श्वसन के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं रेसिड्यूल एयर। रेसिड्यूल एयर जिसे यानी कि अवशिष्ट वायु यानी बची हुई वायु पूरे श्वसन के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों कि आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने एमएल ओ2 लेता है, तो कितने ओ2 लेता है 1 मिनट में, तो 250 से 350 ml लेता है ऑक्सीजन 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी ओ2 लेता है। जैसे कि सामान्य स्थिति पे आपने जान लिया 250 से 350 ml लेता है 1 मिनट में ऑक्सीजन, बट जब वो शारीरिक अभ्यास यानी कोई एक्सरसाइज कर रहा है उस दौरान, जब खेल रहा है उस दौरान वो कितने ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है 1 मिनट में, तो इसका सही जवाब होगा 4500 से 5000 ml। अब देखिए दोनों में डिफरेंट कितना हो गया, आराम की स्थिति में वो 1 मिनट में 250 से 350 ml ले रहा है ऑक्सीजन, वही जब अभ्यास कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने की हो गई 4500 से 5000 ml। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने यानी अभ्यास करने का कितना बड़ा लाभ हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायफ्राम किस सिस्टम का भाग है। तो जैसा कि दोस्तों यह डायफ्राम जो है श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास को लेने और छोड़ने में मेन भूमिका अदा करता है डायफ्राम। जिस डायफ्राम पर हमारा जो फेफड़ा है वो सधा हुआ है जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इसी डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो डायफ्राम होता है इंटरकॉस्टल मसल्स की बनी होती है, और इंटरकॉस्टल मसल्स जब फैलती है तो हमारा जो फेफड़ा डायफ्राम होता है वो नीचे चला जाता है, और जो फेफड़े का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़े में जगह हो जाती है और बाहर से वायु जो है फेफड़ों में आती है, और वही जब इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है तो डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में कम जगह बचती है। ठीक है, कम जगह बचती है और बाहर ज्यादा वायु, कम वायुदाब हो जाता है, ज्यादा वायुदाब हो जाता है और फेफड़े में कम वायुदाब, तो वायु का हमेशा यही नियम है कि वह निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जाती है। वायु का यही नियम है कि वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि फेफड़े में कम दबा जगह होती है और वायु जो है बाहर की तरफ जाने लगती है, यानी कि बाहर आपका उच्च दाब है तो उच्च दाब की तरफ जाने लगती है, कम वायु भार से उच्च वायु भार की तरफ वायु जाने लगती है। ठीक है, इस प्रकार इंटरकॉस्टल मसल्स के सिकुड़ने या फैलने से, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर नीचे जाने से हमारा श्वसन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन होता है, यानी अंतर श्वसन वाय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल तथा फेफड़े किस सिस्टम के भाग हैं। जैसा कि आप सबको पता है यह हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो दोस्तों दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब। एंड नेक्स्ट है बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो बाएं फेफड़े में होता है 2 लोब। जैसा कि जो हमारा ट्रेकिया होता है, श्वास नली होता है, आगे चल करके फेफड़ों में दाएं फेफड़े में 3 लोब में बढ़ जाता है और बाएं फेफड़े में 2 लोब में बढ़ जाता है। ठीक, और जो लोब में बढ़ता है इसको हम ब्रांकियल कहते हैं। यही ब्रांकियल कई पतले पतले रेशों में बढ़ जाती है जिसको ब्रांकियोलिस कहते हैं। फिर ब्रांकियोलिस जो होती है, श्वसनीयकाएं जो होती हैं, वह गुच्छे नुमा आकृति बना लेती है जिसे एल्वोलाई कहते हैं, और एल्वोलाई में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान करना यानी डिफ्यूजन प्रोसेस बोला जाता है उसको, विसरल क्रिया, ये होता है आपका एल्वोलाई में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े में हवा भरने की कितनी क्षमता होती है। तो दोस्तों फेफड़े में हवा भरने की 4.50 से 5 लीटर, यानी 4.5 से 5 लीटर वायु भरने की एक बार में क्षमता होती है फेफड़ों में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर कैपेसिटी होती है वो 4600 ml होती है, और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वह 5800 ml होती है, यानी कि 4.5 से 5 लीटर जो होता है एक बार में फेफड़े में हवा भरने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, एल्वोलाई में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस यानी कि विसरण क्रिया, ये शब्द का इस्तेमाल भी कहा जाता है, किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ होता है? तो एल्वोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लूरा द्रव्य किस अंग के बाहरी आवरण के मध्य रहता है। तो दोस्तों यह फेफड़े के बाहरी आवरण को बनाता है प्लूरा द्रव्य। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लूरल झिल्ली से बना ढका रहता है फेफड़ा, जिससे फेफड़े की सुरक्षा होती है, और इसके अंदर प्लूरल द्रव भरा रहता है जो फेफड़ों की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एल्वेलाई में किस व्यक्ति द्वारा एल्वेलाई में व्यक्ति द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है। तो जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कहाँ मिलेगी ऑक्सीजन को? ग्रहण कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी रेड मसल फाइबर सेल्स में। तो लाल रक्त कोशिकाओं में जाके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं नहीं दिया होता तो हीमोग्लोबिन दिया होता, तो हीमोग्लोबिन आपका राइट हो जाता। तो दो में से एक, चाहे हीमोग्लोबिन चाहे आपका लाल रक्त कोशिकाएं, दो में से एक जाएगा तो वो सही होगा। आप समझने भी फोकस कीजिए, जितना ज्यादा समझेंगे आपको आंसर देने में उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ध्वनि यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स का दूसरा क्या नाम है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, हमारे कंठ में ध्वनि उत्पन्न होता है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम ध्वनि यंत्र का है लैरिंग्स। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दोनों झिल्लियों के नाम क्या है। तो फेफड़ों के ऊपर दो झिल्ली चढ़ी होती है जिसको कहते हैं पार्शियल एंड प्लूरा। ठीक है, पार्शियल झिल्ली और प्लूरा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा बर्थ रेट होता है यानी कि श्वास दर, उसी को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेकिया यानी श्वास नली किसकी बनी होती है। तो ट्रेकिया यानी श्वास नली बनी होती है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की, जो हड्डिया जैसा कठोर नहीं होता है, कोमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे लार में पाया जाता है, लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम निकलता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल देता है। नेक्स्ट दोस्तों, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय शिरा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती है। तो कितनी फुफ्फुसीय शिराएं बाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं दोस्तों? तो चार प्रवेश करती हैं, यहां पे दो ही दिया है बट चार होता है। नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो आराम की स्थिति में वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों? 4600 ml, यहाँ पे 4 लीटर दिया है, यानी कि मिनिमम ये भी सही हो सकता है। ठीक है, आराम की स्थिति में। नेक्स्ट है दोस्तों, आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, यानी कि जो प्रशिक्षित हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग करता है, अभ्यास करता है, व्यायाम करता है, तो उसकी आराम की स्थिति में कितना होगा? तो वही होगा आपका 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान अंतः श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन क्या होगा? बढ़ेगी। जैसा कि आपने देखा कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो 1 मिनट में 250 से 350 ml ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वही जब हम अभ्यास करते हैं तो उस समय हमारा 4600 से 500 ml, 5000 ml
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो उस प्रकार जो हम अभ्यास करते हैं तो जो हमारा अंतर श्वसन करने की प्रक्रिया होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? तो श्वास दर जो होता है वो यानी कि 12 से 20 बार प्रति मिनट हम श्वास लेते हैं, यानी कि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति की, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? तो जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर 12 से 20 बार होती है, जब प्रशिक्षित हो जाता है वो तो आराम से श्वास लेता है, उतना जल्दी जल्दी नहीं, यानी कि श्वास आप जितना आराम से लेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाता है तो उसका श्वास दर 6 से 10 बार हो जाता है प्रति मिनट, 6 से 10 बार प्रति मिनट, यानी जितना आप आराम से श्वास लेंगे उतना ही आप ज्यादा देर तक काम कर लेंगे, जल्दी थकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? तो जो हमारा डायफ्राम यानी सीना है वो 5 से 11 सेंटीमीटर फैलता है, कितना फैलता है? 5 से 11 सेंटीमीटर आराम की स्थिति में। एंड नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान सीना और डायफ्राम कितना फूलता है? तो उससे कम फैलता है, तभी तो बहुत ज्यादा बार हम सांस लेते हैं अभ्यास जब करते रहते हैं, तो 2 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? तो दोस्तों जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो WBC की मात्रा बढ़ जाता है, जो हमारे संक्रमण से हमारे शरीर को रक्षा करती है। तो दोस्तों ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।